दोस्तों, जानवर जब गुस्से में होते हैं या फिर बेकाबू होते हैं तो ये कितनी तबाही ला सकते हैं, ये बात आप सभी भी अच्छे से जानते हो। खैर, जानवरों के कुछ ऐसे वाक्य दिखाने के लिए हमने एक सीरीज की शुरुआत की और अब तक उस पर कई पार्ट बना भी दिए, जिन सब पर आप सभी का काफी अच्छा प्यार और सपोर्ट देखने को मिला। और उसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए आज हम फिर इसका एक और नया पार्ट लेकर हाजिर है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर ये दो सांड 20 सड़क के ऊपर लड़ रहे होते हैं, पर तभी इनके ऊपर एक आदमी पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से ये भागते हुए सीधा एक सोप के अंदर जाकर घुस जाते हैं। और इस दौरान जब ये सोप के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर लगा ग्लास ये बुरी तरह तोड़ डालते हैं और दुकानदार को काफ़ी नुकसान पहुँचा देते हैं। खैर, नुकसान से परे यहाँ पर गनीमत की बात ये होनी चाहिए कि किसी को भी चोट ना आए। इस वीडियो में रास्ते में जा रहे इस लड़के के पीछे जो ही कुत्ता पड़ता है तो ये सीधा दौड़कर इस गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और इसी वजह से ये कुत्ता यहाँ से चला जाता है। खैर, जो भी हो, लड़के की इस हालत को देखकर किसी को भी हंसी आनी लाजमी है। इस वीडियो में पानी के अंदर मौजूद बोट के ऊपर कुछ लोग आराम से बैठे हुए हैं और ये पानी का मजा ले रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर एक बीवर आता है और इनको परेशान करने लगता है और वो सीधा इनकी बोट के ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान ये उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नीचे नहीं उतरता है तो ये एक बार सभी इस बोट से नीचे कूद जाते हैं और फिर से वापस बोट के अंदर चढ़ जाते हैं। लेकिन वो बीवर फिर से पानी से बाहर आ जाता है और इनकी बोट के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से आखिर में तो ये यहाँ से भागने में अपनी भलाई समझते हैं और सभी तेजी से पानी के अंदर कूदकर तैरते हुए बाहर आ जाते हैं। इस वीडियो में ये शख्स स्केटिंग कर रहा था, पर तभी इसके पीछे एक गाय दौड़ पड़ती है। हालांकि शुरुआत में तो ये स्केटबोर्ड को तेजी से दौड़ाता है, लेकिन जब इसकी बात बनते हुए नहीं दिखाई देती है तो ये स्केटबोर्ड को पीछे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो गाय भी इसका पीछा छोड़ देती है। ये दोनों शख्स भी इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे थे और इस दौरान इनके पीछे पीछे दो भालू भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये भालू ठीक इनके पीछे ही होते हैं, जिसे ये अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, इतनी खतरनाक सिचुएशन में होने के बावजूद भी ये अपना आपा नहीं खोते हैं और चुपचाप अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और साथ ही उन भालुओं का वीडियो भी बनाते रहते हैं। और इन दोनों के लिए गनीमत की बात ये भी रहती है कि वो भालू इन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं और वहीं पर रुके रहते हैं, वरना अगर भालू का मूड पलटता तो इनके ऊपर हमला करके इनकी हालत खराब कर सकता था, यहाँ तक इनकी जान भी ले सकता था। खैर, अगले इस वीडियो के अंदर ये आदमी काफी देर से इस सांड को प्यार दुलार कर रहा है, लेकिन शायद सांड को प्यार हजम नहीं होता है और इसी वजह से ये कुछ देर तक ऐसे ही रुकने के बाद फिर अचानक आगे बढ़ता है और इस आदमी को उठाकर पटक देता है, लेकिन ये सांड इसके बाद भी नहीं रुकता है और बेचारे को मारते रहता है। खैर, आगे का वीडियो हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जानवरों के मूड को कोई भी नहीं भांप सकता है। जंगल के अंदर जब आप टेंट लगाओगे तो जानवर तो आएंगे ही ना। अब जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर ही देख लीजिए, जहाँ पर भालू इस टेंट के बाहर खड़ा हुआ है। अक्सर ऐसे में जानवर खाने पीने की तलाश में ज़्यादातर लोगों के नज़दीक आते हैं और उन्हें खतरा होने पर हमला भी कर देते हैं। इसी वजह से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जब भी हम जंगलों के अंदर ऐसे टेंट लगाए। कुछ ऐसा ही मामला इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिला, जहाँ पर कुछ लोग इस झरने के किनारे आराम कर रहे होते हैं, पर तभी इनकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ एक भालू आता है और वह भालू कुछ क्षणों के लिए इनके पास रुकता भी है, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी जान पर कोई भी खतरा नहीं आता है।
अरे भाई ये क्या है, लगता है ये सांड इस आदमी को ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है। दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल ये एक खेल होता है जिसमें बुल को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है और उसे हमला करने के लिए तेज गुस्सा दिलाया जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जिसकी वजह से इस सांड ने इस आदमी के साथ कुछ ऐसा किया। जंगल के अंदर जंगली जानवर हमारे ऊपर कहीं से भी हमला करने पहुंच सकते हैं। अब जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप देख ही सकते हैं, जहां पर भालू इस शख्स के पीछे तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये शख्स काफी ज्यादा समझदार है और इसी वजह से ये अपने हाथ में मौजूद खाने को इस भालू को दे देता है, जिसकी वजह से ये भालू भी खाना लेकर शांत हो जाता है और वापस लौट जाता है। अगले वीडियो के अंदर कुछ शेर सैलानियों की गाड़ी के नजदीक ही एक वाइल्ड बीस्ट पर हमला कर देते हैं। हालांकि शुरुआत में ये वाइल्ड बीस्ट उन शेरों को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है और उनसे लड़ता है, लेकिन आखिर में वो शेर इसको दबोच लेते हैं और इस दौरान वो वाइल्ड बीस्ट सीधा सैलानियों की गाड़ी से जाकर ही टकरा जाता है। दोस्तों बेवजह जानवरों को उंगली नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम और भी बुरा हो सकता है, पर शायद ये लड़का इस बात को नहीं जानता है और इसी वजह से इस ऊंट को चिढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इस ऊंट का भी माथा सटक जाता है और फिर क्या था, ये तेजी से इसके पीछे दौड़ पड़ता है, जिसके बाद आप इस लड़के को देख ही सकते हैं कि ये कैसे दुम दबाकर यहाँ से भाग रहा है। यहाँ पर रात के अंधेरे में कुछ लोग अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी उनका रास्ता एक टाइगर रोक लेता है और वो धीरे धीरे करके इनके नज़दीक भी आ जाता है। हालांकि इस दौरान सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, जिसकी वजह से वो सभी सेफ थे। अब भाई सबसे आखिर में जाते जाते इस वीडियो को भी देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर सीरीज का एक और नया पार्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।